1200 रुपए इकट्ठी बचत की, बचत यहाँ पर जो मंडी चलेगी वो मान लीजिए अगस्त तक, बाद में क्या होता है 3 लाख की क्षमता है कोल्ड की और 280 मेरा आ चुका है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है बुलबुल सीताले में अगर बात की जाए तो गांव आता है रोली। हमारे साथ इस क्षेत्र के कई किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के कई कर्मचारी हैं, मैनेजर साहब हैं, सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे क्या इस क्षेत्र में आलू की स्थिति है, क्या कोल्ड स्टोरेज ये भर गया है, क्या पोजीशन है, क्या आलू का इस बार 2024 में भविष्य रहेगा, पिछली साल जैसा रहेगा या पिछली साल से कुछ बेहतर रहेगा, तो सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मैनेजर साहब से जानते हैं कि अपने कोल्ड की क्या पोजीशन है, कितना आलू आ गया है और कितनी क्षमता है। तो मैनेजर साहब अपने कोल्ड की बताइए कि इस समय कोल्ड में क्या कैपेसिटी है। सबसे पहले पिछली बार से इस बार कैपेसिटी बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई है, तो इस बार कितनी क्षमता होगी कोल्ड की? मैं बुलबुल कोल्ड मैनेजर महेश चंद्र राजपूत बोल रहा हूँ। मेरे कोल्ड की कैपेसिटी जो है पिछले साल से ज्यादा है। मैंने जो वादा किया था अपने माननीय विधायक जी से कि मैं कोल्ड भर के दूंगा, तो मैंने अपने चारों कमरे जो हैं वो भर के चार कमरे हैं मतलब हाँ चार कमरे हैं। और अभी आलू आ रहा है, वो छोटे मोटे काश्तकारों को ईजा बीजा वो भी हम मेरे पास इतनी जगह है वो हम रख रहे हैं हाँ, काश्तकार को परेशान नहीं होने दे रहे हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में आलू की खुदाई वगैरह क्या अनुमान लग रहा, कुछ बची है या सब निपट गए? डंप जो है वो खत्म हो गई ठीक है। आलू के भाव जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। अपने खेतों में आलू सब खुद गया कि इस समय कुछ बचा? खुद गया है, टेम्परेरी रूप से है, एक आदमी मेहनत कोई खुदने को नहीं, सब खत्म है। छिटपुट आए तो छिटपुट वाला क्या लग रहा है, 2-4 दिन अभी चलेगा वो भी चला जाएगा। अच्छा अगर बात की जाए अपने क्षेत्र में तो डंप वाला आलू कुछ कोल्ड में आ रहा है या क्या किसान अभी बीज आ रहा है तो क्या उम्मीद लग रही है अभी? अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल कोल्डों में लगातार कई कोल्ड क्षेत्र में खाली हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कोल्ड पहले खुलेंगे पिछली साल जैसे या इस बार पिछली साल समय खुलेंगे? कोल्ड 15 अप्रैल तक खुल जाएंगे उम्मीद है 100% 15 अप्रैल तक 100% खुलने की उम्मीद है। अगर बात की जाए तो छिबरा मोड़ क्षेत्र में 1-2 कोल्ड स्टोरेज मैंने साहब खुल चुके हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है? हमें लग रहा है कि 15 अप्रैल से पहले खुल जाना चाहिए। 15 अप्रैल से पहले खुल जाए, जैसे आपने कानपुर चक्रपुर से मंडी से रिले किया था कि 2000 रुपए कुंटल श्रीनाथ बिकी ठीक है, उससे अच्छी हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ नहीं दूसरे कोल्डों में 1200 रुपए कट्टी बचत की थी। बचत 1200 रुपए मतलब कोल्ड का भाड़ा अलग? हाँ कोल्ड का भाड़ा, लेकिन आगे के भविष्य में नहीं बताया जा रहा है, होने वाला है। मतलब अभी की अगर बात की जाए तो अदर कोल्डों में किसान भाइयों जो तरीके मैंने बताया कि 1200 रुपए पैकेट बिका है कोल्ड के अंदर वो आलू रखा है और भाड़ा है उनमें जो है किसान नहीं व्यापारी देगा, जो भी अपना ले जाएगा वो देगा। तो मैंने साहब अगर जाना जाए तो अभी तो मान लीजिए 10-12 दिन बाद कोल्ड खुल जाएंगे, तो क्या भाव तक खुलने की कुछ उम्मीद है, कुछ अनुमान कह रहा है? जो मंडी बंद होगी यहीं पे खुलेगा, यही भाव खुलेगा, यही खुलेगा सर्वप्रथम। आगे चल के कुछ भी हो सकता है वो नहीं बताया जा सकता। कुल मिला के अगर जो मंडी बंद होगी वही भाव खुलेगा? हाँ वही भाव, तो वही भाव खुलेगा भैया, जो मंडी बंद होगी वही भाव खुलेगा लगभग में। अगर बात की जाए तो मैंने साहब क्या उम्मीद लग रही है इस बार जिस तरीके से कोल्ड खाली है, कहीं ना कहीं कई लोग कह रहे हैं कि भैया 2020 जैसा माहौल इस साल बन रहा है, तो क्या 2020 आप तो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 2020 जैसा माहौल बन रहा है या 2024 वो थोड़ा अलग है? आप भी आइडिया दे रहे हैं, पिछली साल डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में 3-4 लाख बोरी फालतू थी और इस साल क्षमता कितनी बड़ी? क्षमता तो इस बार अगर माना जाए तो कन्नौज में लगभग 30-35 लाख पैकेट की बड़ी है, बड़ी और कोल्ड में समय आलू है, किसी में 1 लाख किसी में 60,000 किसी में 3 लाख है, आलू समय है लेकिन कोल्ड खाली भी बहुत है। अरे खाली तो है लेकिन आलू तो है पर्याप्त उतना, आगे के भविष्य में नहीं, यहाँ पर जो मंडी चलेगी है वो मान लीजिए अगस्त तक, बाद में क्या होता है वो अल्लाह जाने। कुल मिला के अगर बात की जाए तो भैया जो मंडी चलेगी अभी शुरुआत के दौर पे वो लगातार चलती रहेगी अगस्त तक, अगस्त के बाद क्या परिवर्तन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, अभी फिलहाल में इस पर कोई कहा नहीं जा सकता है। तो आप भैया किसान है या कर्मचारी कोल्ड के? कर्मचारी आलू लगाते हैं कुछ भैया कि नहीं? थोड़ा बहुत करते हैं। तो अपना भैया आपने कोल्ड में डाला है कि थोड़ा बहुत खेत में बेच दिया? थोड़ा खेत में बेच दिया और थोड़ा कोल्ड में डाला। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोल्ड में कब भाव तक बिक जाएगा, कुछ माहौल उम्मीद है? ये तो नहीं बता सकते, अपने क्षेत्र में खुदाई तो निपट गई होगी भैया? हाँ खुदाई सब निपट गई। तो खुदाई भैया इस क्षेत्र में अगर बात की जाए, क्षेत्र क्या लगभग में अधिकांश क्षेत्रों में आलू की खुदाई जो है समापन की कगार पे है, और अगर बात की जाए भाव की तो भाव भैया ठीक ठाक तरीके के मार्केट में चल रहे हैं, तो मैंने साहब क्या कहना चाहते हैं?
हम कहना ये चाहते हैं, मेरे 3 लाख की क्षमता है कोल्ड की और 280 मेरा आ चुका है। 280 हाँ, अभी गुंजाइश है, लगे हुए लगभग 1000 कट्टा लगे हुए हैं। 2000 हाँ, 2000 कल लोड करा दिए। तो भाई हम लगभग माना जाए जिस तरीके से बताया कि 3 लाख की क्षमता में 2,80,82,000 लगभग आ गया है, तो माना जाए तो कुल मिला के कोल्ड में आलू लगातार आ रहा है। और भाव की अगर बात की जाए तो भाव ठीक ठाक तरीके, लोडिंग बाबू है, क्या नाम है भैया बताइए? मोहम्मद इरशाद। तो भैया लोडिंग बाबू आलू कुछ अपना गाड़ते हैं कि नहीं गाड़ते हैं? नहीं, आलू तो हम गाड़ते हैं। कितना गाड़ते हैं? लगभग करीब 8-9 बीघा। तो भैया अपना आपने बेचा है कि कोल्ड में रखा है? ईमानदारी से सब कोल्ड रखा है, सब कोल्ड। कौन सा आलू है अपना? सिंदूरी। सिंदूरी का उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है, भाव बढ़े और अच्छा मिलेगा, 1500 तक मिल सकता है। अभी तो 1000 रुपए काटा लगभग पहुंचने वाला है। 1000 तो पहुंच चुका है। नहीं, 950 तक बिक रहा है। हाँ, 1000 पहुंच जाएगा उम्मीद है। तो फिलहाल में यही स्थिति है कोल्डों की अगर बात की जाए तो, जिस तरीके से मैंने साहब ने बताया कि 2,80,82,000 बॉडी आ गया, 3 लाख की क्षमता है। तो ये अपडेट था बुलबुल सीताले। अगर बात की जाए तो रोली बरौली क्षेत्र में आता है। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।